दोस्तों नमस्कार, आपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, उम्मीदें तो बहुत सारे हैं फाउंडिंग मेंबर्स को इस जनवरी मंथ से। अब इस जनवरी मंथ में क्या सरप्राइज देते हैं, क्या क्या गुड न्यूज देते हैं सीईओ मिस्टर एस, उसी इंतजार में है सभी। कल से इस मंथ का सेकेंड वीक भी शुरू हो जाएगा और सेकेंड वीक से बहुत सारे डेवलपमेंट दिखने की बात कहे हैं मिस्टर एस ने। अब सेकेंड वीक से क्या क्या डेवलपमेंट दिखता है, बस हमें थोड़े और इंतजार कर लेने की जरूरत है, सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में तो सबसे पहले विड्रॉल लगाए लोगों के भुगतान होने का ही उम्मीद है, उसके बाद ही हम कुछ और चीजें शुरू होने के बारे में सोच सकते हैं। मेरे समझ से अगर जनवरी मध्य तक सारे पेंडिंग भुगतान हो जाते हैं तब तो हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं इस मंथ के लास्ट तक बहुत कुछ शुरू हो जाने का। और कहीं पेंडिंग भुगतान निपटाने में ही पूरा मंथ निकल गया तब उम्मीद बहुत कम ही रहेगा इस मंथ से ऑटोमेशन शुरू होने का, या ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक के डिस्ट्रीब्यूशन होने का, या कमीशन मिलने का। दोस्त, भले ऑटोमेशन थोड़ा देर से शुरू हो, हम थोड़े और इंतजार कर लेंगे। जब यहाँ सालों से इंतजार करते आ रहे हैं हम, तो क्या कुछ दिन और इंतजार नहीं कर लेंगे? बट सबसे अधिक जरूरी है उन लोगों को पेमेंट मिलना जो 3-4 महीनों से अपने वैलेट में आए हुए कमीशन का विड्रॉल लगा के अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट आने का इंतजार कर रहे हैं। और इसी को लेकर बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं कंपनी पे कि कंपनी का पेमेंट गेटवे सब्सक्रिप्शन के पेमेंट लेने के लिए बिल्कुल सही ढंग से काम कर रहा है, तो लोगों के विड्रॉल लगाए पेमेंट को देने में उसे क्यों प्रॉब्लम हो रही है। बस इसी बात को लेकर बहुत सारे लोगों के विश्वास कमजोर हो रहे हैं कि यह कैसा वन वे सिस्टम है यार, कि उस रास्ते से पेमेंट सिर्फ जा सकता है, आ नहीं सकता। बस अधिकतर लोगों के कुछ निगेटिव बातें सोचने का या कहने का मुख्य रीजन्स यही है। अभी ऑटोमेशन के थ्रू सभी सब्सक्रिप्शन लिए फाउंडिंग मेंबर्स को यूजर्स कमीशन मिलने की तो बात ही छोड़िए, अगर पेंडिंग पड़े विड्रॉल का भी भुगतान करना शुरू कर दे कंपनी तो यह पक्का है कि उत्साह और खुशी के लहर दौड़ जाएंगे हर एक फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर। उन्हें यह पूरी तरह से अंदर से बिलीव होने लगेगा कि बस इसी के बाद अब वो सब भी होना शुरू हो जाएगा जिसके प्रतीक्षा में हम सालों से हैं। हालांकि समय समय पर मिस्टर एस हमसे उस हर एक बात को शेयर करने का प्रयास किए हैं या शेयर किए भी हैं, जिसकी वजह से अभी तक 3-4 महीने बीतने के बाद भी विड्रॉल लगाए लोगों के पेमेंट नहीं मिल सके हैं। फिर भी सभी के अपने अपने हिसाब से सोचने और देखने का नजरिया है। इस तरह की बातों पे बहुत सारे लोगों को बिलीव हो भी रहा है और बहुत सारे लोगों को बिलीव नहीं भी हो रहा है। ये तो ऑन पैसिव है जो 4-5 महीने से भी विड्रॉल लगा के लोग पेमेंट मिलने का पूरे शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि भले किसी के थोड़े बहुत बिलीव डगमगा रहे हों, बट यह हकीकत है कि देर होने से नाराजगी में आके भले कोई कुछ भी बोल दे रहा हो, बट अपनी जिंदगी बदलने का, अपने सपनों के पूरे होने का उम्मीद या भरोसा भी है तो सिर्फ ऑन पैसिव से ही है। वरना अदर MLM कंपनियों में तो अगर पेमेंट आने में 1-2 हफ्ते भी डिले हो जाए तो हंगामा मचना शुरू हो जाता है। लोगों को लगने लगता है कि अब शायद कहानी खत्म होने के कगार पे है, अब कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो लोग ऑन पैसिव में नहीं है वे यही तो आश्चर्य कर रहे हैं कि ऑन पैसिव के प्रति कितने अधिक समर्पित हैं इसके फाउंडिंग मेंबर्स, जो 3-4 महीने पहले से विड्रॉल लगा के पेमेंट मिलने के इंतजार कर रहे हैं। और यह वाकई ऑन पैसिव के प्रति लोगों के विश्वास, भरोसे, समर्पण को दर्शाता है और साथ ही साथ उनके धैर्य और सबर को भी दर्शाता है। थोड़े गुस्से में आकर भले कोई फाउंडिंग मेंबर्स कुछ कह दे ये अलग बात है, बट यह सच्चाई है कि उसके रग रग में, रोम रोम में, उसके दिल में रच बस गया है ऑन पैसिव। वह कभी गुस्सा भी करता है तो बस सिर्फ ऊपरी मन से, अंदर से बेइंतहा मोहब्बत है उसे ऑन पैसिव से। तभी तो वह सालों से पूरे शालीनता और विनम्रता के साथ धैर्य रखते हुए इंतजार कर रहा है अपने सक्सेस के शुरुआत होने का, अपनी जिंदगी बदलने एंड अपने सपनों के पूरे होने का। बट अब मिस्टर एस का भी यह फर्ज बनता है कि वे और अधिक इम्तहान नाले फाउंडिंग मेंबर्स के धैर्य और सब्र का, जिस चीज के लिए वे सालों से इंतजार करवाए हैं, अब समय आ गया है उन्हें सभी फाउंडिंग मेंबर्स के उम्मीदों और भरोसों पे खरे उतरने का, उनके सक्सेस के शुरुआत करने का, उनके जिंदगी बदलने एंड उनके सपनों को पूरे करने का। अब अगर किन्हीं भी वजहों से अधिक देर हुआ ये सब शुरू होने में, तो निश्चित है कि लाखों फाउंडिंग मेंबर्स के दिल और उम्मीद टूटने लगेंगे, क्योंकि हद से ज्यादा लोगों ने उम्मीद और भरोसा लगा लिए हैं ऑन पैसिव से एंड सीईओ मिस्टर एस से भी। ऐसे इंतजार तो हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन और हर पल रहता है फाउंडिंग मेंबर्स को अपनी सक्सेस के शुरुआत होने का, बट उस वक्त और अधिक सब कुछ शुरू होने का उम्मीद और भरोसा बढ़ जाता है जब उसके रिगार्डिंग सीईओ मिस्टर एस कुछ अपडेट्स दे देते हैं या कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं। अगर हाल फिलहाल की हम बात करें तो उम्मीद तो बीते दिसंबर को लेकर भी बहुत कुछ होने का था, बट लास्ट तक ऐसा कुछ नहीं हो सका। लेकिन 1 जनवरी को OES में सो हुए पॉपअप से फिर उम्मीदें बहुत अधिक बढ़ गए हैं फाउंडिंग मेंबर्स के इस जनवरी मंथ को लेकर,
जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि अब की बार जो 30 डेज के लिए सब्सक्रिप्शन के वैलिडिटी को बढ़ाया गया है, यह लास्ट एक्सटेंशन है, अंतिम विस्तार है। बस इसी बात से जनवरी मंथ को लेकर बहुत अधिक उम्मीदें बढ़ गई हैं फाउंडिंग मेंबर्स की। सभी यही सोच रहे हैं कि जब इसके बाद कभी नहीं भरना है वैलिडिटी को, इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि हम जिन चीजों के होने का सालों से इंतजार करते आ रहे हैं वो सारा कुछ इसी मंथ के लास्ट तक होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दो बार वैलिडिटी बढ़ाने का मेन रीजन यही था कि इस बीच फाउंडिंग मेंबर्स के सक्सेस के शुरुआत करने के लिए जो भी प्रोसेस हैं उन्हें पूरा कर लिया जाए, सुव्यवस्थित कर लिया जाए। अब ऐसा तो संभव है नहीं कि इसके बाद वैलिडिटी भी नहीं बढ़े और सक्सेस के शुरुआत भी नहीं हो सके फाउंडिंग मेंबर्स का। इन दो में से किसी एक का तो होना ही होना है। अगर सब कुछ शुरू होना होगा तो वैलिडिटी नहीं बढ़ेगा, और अगर सब कुछ होना शुरू नहीं हो सका तब तो निश्चित है कि वैलिडिटी बढ़ेगा, क्योंकि वही सब शुरू करने के लिए तो दो बार से वैलिडिटी बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि मिस्टर एस ने यह संदेश दिए हैं कि अब की बार जो वैलिडिटी बढ़ाया गया है यह अंतिम विस्तार है, तो बहुत सारा कुछ देख समझ कर ही इस तरह के मैसेज वे दिए होंगे। दोस्त, बार बार तो ऐसा होगा नहीं कि जैसा कहा जाए वैसा हो ना सके। अगर ऐसा हुआ तो किसी के भी बिलीव लेवल कमजोर होंगे, और मिस्टर एस भी इन बातों को खूब अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। वे कुछ भी करके अपने कमिटमेंट पे जरूर खरे उतरने का भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग बिना जनवरी बीते यह अभी से ही कह रहे हैं कि देख लीजिएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल करते करते 2024 भी वैसे ही निकल जाएगा जैसे 2020-21-22-23 निकले हैं, और फिर कह दिया जाएगा कि 2025 में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्त, इस तरह की बातें सोचने की या करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर एस यह कह चुके हैं कि जो भी हमारे सामने अड़चने या कुछ चुनौतियां थीं उन्हें 2023 में ही सॉल्व कर लिया गया है। अब 2024 में हमारे फसल काटने का समय है। हम इसी बात से समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है इस साल 2024 में। और उनके कहने के अनुसार अगर हम देखें तो ऐसा भी नहीं है कि हमें फसल काटने के लिए इस साल के जून जुलाई अगस्त सितंबर का इंतजार करना होगा। फसल तो हम पूरे साल काटेंगे, बट उसके शुरुआत बस चंद दिनों में ही हो जाने का हम उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि 2024 के नवंबर दिसंबर में हम फसल काटेंगे। भरोसा रखिए, ऊपर वाले की कृपा रही तो हमें इसी मंथ से बहुत सारा कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। अगर नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक से भी विड्रॉल लगाए लोगों को पेमेंट मिलना शुरू हो जाता है तो समझ लीजिए इस जनवरी में ही और भी बहुत सारा कुछ होना शुरू हो जाएगा। शायद वो सब कुछ जिसका काफी बेसब्री से इंतजार है हर एक फाउंडिंग मेंबर्स को। दोस्त, थोड़े देर हो जाने से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीईओ मिस्टर एस के कहने के अनुसार हम बिल्कुल भी दूर नहीं है अपनी सक्सेस के शुरुआत होने से। समझिए हम काफी करीब हैं अपनी मंजिल के। मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य जनवरी आते आते बहुत कुछ होना शुरू हो जाएगा, और जब मिस्टर एस ने कह दिए हैं कि यह सब्सक्रिप्शन वैलिडिटी का अंतिम विस्तार है तो यह पक्का मानकर चलें कि अब इसके बाद कोई भी वैलिडिटी नहीं बढ़ने वाला, और जब वैलिडिटी नहीं बढ़ेगा तो हम समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या कुछ होने वाला है। अगर खुले शब्दों में बात करें तो सब्सक्रिप्शन लिए फाउंडिंग मेंबर्स के लिए ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन, बोनस, कमीशन सब कुछ शुरू हो जाएगा। नाउमीद बिल्कुल भी नहीं होना है। जब हम ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स हैं तो भले थोड़ा जल्दी हो या थोड़ा देर लगे, बट हमारी जीत 100% निश्चित है। हमारी जिंदगी बदलना, हमारे सपनों का पूरा होना 100% तय है। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना तय है, और यह बात एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार हमारे तमाम लीडर्स एंड सीईओ मिस्टर एस तक कह चुके हैं और आज भी कहते हैं। दोस्त, कोई सीना ठोक कर इस बात की गारंटी दे रहा हो उस पे कहीं से भी संदेह नहीं किया जा सकता, क्योंकि गारंटी वही सिर्फ दे सकता है जिसके अंदर यह पावर हो, क्षमता हो उसे पूरे कर देने का। इस साल 2024 का शुरुआती मंथ ही हमारे लिए काफी शानदार और यादगार होने वाला है। इसके बाद के सारे मंथ कैसे होंगे हम समझ सकते हैं। भरोसा रखें, इस मंथ में बहुत सारा कुछ होने का उम्मीद है। जीवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।